SRM टुडे शहर की आवाज। समाज सेवी सुनील बंसल द्वारा बीते 22 सालों से अस्थि कलशों को गंगा में प्रवाहित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते इस बार 26 अस्थि कलश सुनील बंसल द्वारा हरिद्वार ले जाए गए। हर साल की तरह इस साल भी समाज सेवी सुनील बंसल द्वारा अस्थि कलशों को हरिद्वार ले जाया गया। सुनील बंसल द्वारा ये सेवा कार्य पिछले 22 सालों से किया जा रहा है, जिसमें अब तक 1100 अस्थि कलशों का इनके द्वारा पूरे विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित कर दिया गया है। इस बार 26 अस्थि कलश इनके द्वारा ले जाए जा रहे हैं, जिसमें 8 महिलाओं के कलश भी शामिल हैं। इस संबंध में समाज सेवी सुनील बंसल ने बताया कि इनकी माता की मृत्यु सन 1997 में हुई थी, जिनके अस्थि कलश को इनके परिजनों द्वारा हरिद्वार ले जाया गया। इससे प्रभावित होकर इनके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई और जिनके परिजन नहीं है उनकी मृत्यु के बाद उनके अस्थि कलशों को हरिद्वार ले जाने का कार्य किया जा रहा है। अपने शास्त्रों में लिखा है कि राजा भगीरथ ने भी अपने पूर्वजों के उत्थान के लिए माँ गंगा में गंगा को यहाँ धरती पर लाया था। तो निश्चित रूप से हमने मनुष्य जन्म लिया है। तो हमारे मन में 1997 में मेरी माताजी का जब देहांत हुआ था, तब मेरे परिजन दूसरे छोड़ के सब जन हरिद्वार गए थे। तो मेरे मन में बैठे बैठे ख्याल आया कि जिसके परिजन होते हैं उनके अस्थि कलश वहाँ चले जाते हैं। उस बात को लेकर मैंने ये प्रकल्प मेरे दोस्तों से, परिवार से और रिश्तेदारों से पूछ के चालू किया, तो सभी ने सकारात्मक जवाब देकर वो काम में सन 1997 से आज लगातार आप सभी के प्रयासों से मैं यहाँ कर रहा हूँ। और लगातार ये 22वां साल हो चुका है और लगभग 1100 से अधिक अस्थि कलश माँ गंगा जी में हम विसर्जन कर चुके हैं। इस बार भी हम 26 अस्थि कलश लेकर जा रहे हैं, इसमें 7-8 तो महिलाओं के अस्थि कलश है और बाकी पुरुषों के हैं। इसमें से 5 लोगों का दाह संस्कार भी हमारे द्वारा ही किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके शहर में भी अगर कोई इस प्रकार का हादसा होता है जिसका दाह संस्कार नहीं हो पाता है, हमसे संपर्क करें। और जिनके अस्थि कलश नहीं ले जा सकते हैं आप हमें संपर्क करें। आप चाहें तो हमें डाक से भी अस्थि कलश यहाँ जब भी उनका दाह संस्कार हो उठाने के बाद दे सकते हैं, या हमसे संपर्क करें तो हम उसकी जो है अस्थि को कलेक्शन करने का हम काम कर उसे माँ गंगा जी में विधिवत हम जो है प्रभावित कर दें और उनका तरफ। देखिए साहब, हम आए हैं, भौतिक युग है, हम सब तरह के काम करते हैं और मनुष्य जीवन में आए तो हमें अच्छा काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से कोई अच्छा कार्य करने के बाद एक सुकून की जो नींद आती है वो आती है। और उसमें मेरे परिवार का, खासकर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बहन वगैरह आदि सबका एक विशेष सहयोग मिलता है, सरकार भी होता है। पर वो जब लगता है कि ये परोपकार का काम है तो निश्चित रूप से हंसते खेलते इस सब काम में हाथ बटाते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से मेरे जितने इष्ट मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं और मंदसौर की जो जनता है उनका प्रेम वात्सल्य हमेशा बना रहता है। और इससे मैं प्रेरणा, मैं आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस भी शहर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है हमें संपर्क करें, हम करेंगे। क्या कहना है इस बारे में? बंसल जी जो शुरू से समाज सेवा में अग्रणी है, आज अन्य जनों के अस्थि कलश लेके जो कि जिसकी संख्या 26 है वो आज लेके जा रहे हैं। समाज में कोई भी कार्य, अच्छा कार्य करने के लिए आदमी चालू तो कर देता है, किंतु लगातार 22 साल से वो सेवा कार्य कर रहे हैं वो एक अनुकरणीय है। और इस सेवा में हमारा समाज का, हम सदस्यों का ये बनता फर्ज बनता है कि हम भी उनके काम में सहयोग करें, उनके साथ जाएं और इस कार्य को जो कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से वो चलता रहे। एवं आम जनों को जो अपनी मातृ पितृजनों के अस्थि कलश नहीं ले जाते हैं वो एक पुण्य कार्य जो कर रहे हैं उसमें हम सहभागी बने, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम सुनील बंसल जी के साथ सौभाग्य से हम उनके साथ चलते हैं। और
ये सुनील जी जो ये कार्य कर रहे हैं उनको भगवान और शक्ति दे एवं कितने सालों से ये काम करते हैं। ये सन 22 साल से ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं और इनमें ये अग्रतर बढ़ती जा रहे हैं और संख्या भी बढ़ रही है। आज जिस प्रकार 26 संख्या हो गई, इस प्रकार आम जन इन पर विश्वास करके और अपने पितृजनों के अस्थि कलश इनको सौंपते हैं कि भैया धन ध्यान से और एक उचित तरीके से ये इसका करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।